स्टार प्लस के पॉपुलर शो तू सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि उमा शंकर और कनक जहां एक होने वाले हैं, तो वहीं वेद और वंश मिलकर उमा शंकर और कनक को एक होने से रोकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि किस तरह से कनक को ये फाइनली रियलाइज हो गया है कि वो उमा शंकर से कितना प्यार करती है और उमा शंकर के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो इसी के चलते कनक ने ये फैसला ले लिया है कि वो उमा के साथ जाकर रहेगी। लेकिन ये बात जब वेद और वंश को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और कनक को उमा शंकर के पास जाने से रोकते हैं। वेद और वंश दोनों ही मिलकर कनक को उन सारे दिनों की याद दिलाते हैं जब उमा शंकर ने कनक के साथ बुरा बर्ताव किया था और किस तरह से कनक के साथ घर में ट्रीट करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कनक को अपनी फैमिली से भी मिलने नहीं देता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर कनक वेद और वंश को ये समझाती है कि उमा शंकर ने हमेशा ही उनका ध्यान रखा है और उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरी किया है। दरअसल कनक ये मानती है कि उमा शंकर एकदम आइडियल हस्बैंड है। अब वेद और वंश के प्लानिंग के उलट कनक उमा शंकर को अच्छा इंसान बताती है। तब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वेद और वंश और क्या नई चाल चलते हैं कनक को उमा शंकर के खिलाफ भड़काने के लिए। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।